नहीं, टॉस तो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट शोएब। और अब कोचेस को ना प्लेयर को बुला के प्रैक्टिस पे टॉस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टॉस कैसे करना चाहिए, टॉस कैसे जीतना चाहिए, ये अभ्यास भी कराना पड़ेगा। पर टॉस किसी के हाथ में होता नहीं, अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि कोहली टॉस जीतना चाहते हैं पर वो हार जाते हैं, तो उनकी जो मंशा है वो पूरी नहीं हो रही, तो ये उनके हाथ में नहीं है। हाँ, खेलना उनके हाथ में है, हाँ गिली बॉल से अपने पे अभ्यास करना उनके हाथ में है कि आप बोले हमारे बोलर्स को कि आप ओस आएगी, ड्यू आएगी, पर हमें मैच जीतना है जी, हमारे पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप अभ्यास करिए, एक हफ्ते का यहाँ टाइम मिला था, आप जाइए गिली बॉल करिए, उसको ग्रिप करिए, कैसे करना आसान नहीं होता, पर यू शुड बी एबल टू फाइंड वेज कैसे निकलना है उस चीज़ से। पर मेरा मानना है कि आज और अटैकिंग खेलना पड़ेगा। हाँ। जो शोएब ने बोला कि बॉल को सी ऑफ करो, मेरा मानना है कि बॉल को अटैक करो। आपने उनके मेन बॉलर को मार दिया तो फिर वैसे ही सारा गेम खुल गया ना। हम मैच कहाँ हारे पाकिस्तान से, हम मैच हारे शुरू में, हमने 6 ओवर में 3 विकेटें गवा दी, हमने जब बॉलिंग करी तो 6 ओवर में विकेट ले नहीं पाए, रिजवान अटैकिंग शॉट मार रहे हैं, बाबर आजम बढ़िया खेल रहे हैं, तो हमें पाकिस्तान से सीख लेनी चाहिए। अगर कोई टीम अच्छा खेल रही है उसे सीखने में कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल, तो ये आज का दिन है कि हमें रोहित शर्मा, केएल राहुल, तजुर्बेकार बल्लेबाज है, अटैक करें, बैट को पीछे ना रखें, बैट को आगे ला के शॉट लगाएं। बिल्कुल, अब टॉस की बात कर ही रहे हैं तो एक बार सुनते कि विराट कोहली ने टॉस पे क्या कहा, एक नजर उस पे डालकर। या इट विल कंटिन्यू टू बी अ बिग फैक्टर एंड दैट्स द नेचर ऑफ दिस टूर्नामेंट। You can look at the situation in two ways. Either you can bank too much on the toss, or you can challenge yourself as a team to say, okay, even if you lose the toss, we are good enough to bowl or bat in any conditions, and that should be the attitude, because you don't have time in the shortest format of the game to think too much about what happened at the toss. The game goes away from you pretty quickly, and 2 or 3 overs can change the whole course of the game, as we saw last game as well. So, for us, our only focus is how those 11 individuals are placed mentally and how we are looking to approach this game. It's been a long break for us. It's been a lot of time waiting and just doing nothing really. For us as a team, now we are just itching to go back on the park and just be competing again and look to correct the things that didn't happen well in the first game. Well, हम भी उसी का वेट कर रहे हैं विराट, इचिंग टू गो बैक। तो कैफ, हमने टॉस के बारे में तो सोच लिया, सुन लिया कि कितना जरूरी है टॉस खेलना, लेकिन आपकी 5 सलाहें क्या होंगी टीम इंडिया के लिए अगेंस्ट न्यूजीलैंड? पहली सलाह मैंने आपको दे दी कि बैट को आगे रखो, आगे जब इंटेंट मारने का होता है, इंटेंट जब पहली बॉल पे चौका लगाने का होता, आज तो कोई ऑप्शन है नहीं, आज मैं सी ऑफ करूंगा, कितनी बॉल हवा में स्विंग हो रही है मैं पहले देख लूं, फिर मैं मारूंगा तीसरे चौथे ओवर में, वो नहीं, आज पहली बॉल खराब बॉल चौका लगाइए। रोहित शर्मा अगर ट्रेंट बोल्ट को फेस कर रहे हैं तो उनका इंटेंट, जो मिजाज या एटीट्यूड की बात करते हैं, तरीका खेलने का, वो अग्रेसिव होनी चाहिए। उनके नाम T20 के शतक भी हैं, रोहित शर्मा, केएल राहुल शतक बना चुके हैं बतौर ओपनर, तो ये मेन प्लेयर हैं। तो जहाँ ये थोड़ा सा देखिए, सिर्फ मानसिक रूप पर आपको बदलाव करना होता है, देखिए तकनीक है इनके पास, सब कुछ पता है, कैसे रन कैसे बनाते हैं मालूम है, मानसिक रूप में यहाँ अपने आप से बात करिए, स्विच ऑन करिए कि आज वो दिन है जहाँ हीरो बनने का मौका है। आप महेंद्र सिंह धोनी का छक्का बार बार क्यों लोग दिखाते हैं, वो जो 2011 वर्ल्ड कप में मारा था, उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी आउट ऑफ फॉर्म थे पूरे वर्ल्ड कप में, महेंद्र सिंह धोनी का छक्का हम बार बार देखते हैं, उनकी बात करते हैं, 90 रन की पारी सबको याद है, क्योंकि वो बड़ा मैच था, वो जो स्टेज थी वो हीरो बनने की का मौका था, और महेंद्र सिंह धोनी ने वो मौका ग्रैब किया, उनका नंबर वो नहीं था, युवराज सिंह को बोले वेट करो मैं जाता हूँ, आज मैं मैच जिताऊंगा। ये आज भारतीय टीम से देखना है कि कौन मैच जिताने के लिए बेताब है, जो अपने शब्द का इस्तेमाल किया, बेताब मानसिक तौर पर बिल्कुल फ्रेश, क्लियर माइंड, अटैक, जीतो मैच। ये आपकी पहली सलाह। पहली सलाह। बॉलर्स के लिए क्या सलाह? बॉलर्स के लिए भी अटैक। ओके। अटैक बॉलर्स के लिए भी, क्योंकि आप अगर केन विलियमसन को आपने आउट कर लिया, केन विलियमसन को आउट किया तो उनकी जो टीम है वो उसके जो स्तंभ है, जो नींव है, वो विलियमसन के हाथ में, वो पकड़ के रखते हैं उस जहाज को, शिप को डूबने देते नहीं, उनके अराउंड लोग बल्लेबाजी करते हैं। गप्टिल अच्छे प्लेयर हैं, वो फिट भी हो गए, मैच खेलेंगे, उनका रिकॉर्ड अच्छा है, अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं, तो वो उनको भी देखना होगा। पर विलियमसन ऐसे बल्लेबाज हैं कि अगर वो 10 बॉल 10 रन पे खेल लें तो आप खुश ना हो, उनको सिंगल सिंगल देके आप सोचो कि हाँ सिंगल ही ले रहा है, उनका काम सिंगल ही लेना है। वो लास्ट तक 20 बॉल 25 रन 25 बॉल 30 रन, फिर 2-4 चौके मारते हैं, 50-60 बनाते हैं, उनके अराउंड जो लोग खेलते हैं तो फिर 150-60 टीम का स्कोर पहुंच जाता है, उनकी ताकत ही वही है। विलियमसन
ही उनके मेन प्लेयर है, उनको अगर आपने आउट कर लिया, आउट कैसे करोगे, सिंगल मत दो, प्लेयर को फील्डर को ऊपर रखो, एक आध बीच में अटैकिंग बॉल डालो, अंदर बाहर आप ट्राई कर सकते हो। और आज 6 ओवर में स्पिनर को भी बॉलिंग देनी चाहिए। विराट कोहली का अगर एज ए बतौर कैप्टन में थोड़ा सलाह दूँ तो फर्स्ट 6 ओवर में यहाँ देखिए स्पिनर का भी रोल बहुत रहा है। जडेजा को लाओ, अश्विन खेल रहे, अश्विन तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, आप स्पिन को भी पहले आमंत्रित करें अगेंस्ट विलियम्स। बिल्कुल। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।